नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस नाम की वैश्विक महामारी, न जाने कितने लोग संक्रमित और न जाने कितनी ही मौत। आज जिस कोविड-19 के कहर से दुनिया जूझ रही है, उसकी शुरुआत चीन से ही हुई थी। चीन के ही वुहान में से ये वायरस निकला और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। लेकिन चीन अब भी सबक लेने को तैयार नहीं। चीन एक बार फिर उसी ढर्रे पर आ चुका है जिस पर वो पहले था। इस देश को लगता है कि इसने इस वैश्विक महामारी पर जीत पा ली है और अपनी जीत का जश्न अब चीन अपने पुराने अंदाज में मना रहा है। चाइना से हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना से जीत पर जमकर जश्न मनाया गया। ये जश्न खरगोश और बतख का मांस खाकर मनाया गया। यही नहीं, एक बार फिर से चीन में चमगादड़ों की बिक्री धड़ल्ले से शुरू हो गई। जबकि कोरोना वायरस के बारे में हुई रिसर्च में ये माना जा रहा था कि पेंगोलिन से चमगादड़ के रास्ते ही कोरोना वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। डेली मेल के मुताबिक शनिवार को चीन में कोरोना वायरस पर जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और बतख के खून से घरों की छतें लाल हो गई। हर तरफ मरे हुए जानवरों के अवशेष नजर आए। इस जश्न के लिए चीन में बेहद गंदे मीट मार्केट को फिर से खोल दिया गया। 3 महीने पहले वुहान में इसी तरह की एक मीट मार्केट से कोरोना वायरस इंसानों में फैल गया था। चीन की इस गलती का खामियाजा आज दुनिया के 3 अरब लोग भुगत रहे। इस महामारी से दुनिया भर में अब तक 34,000 लोग मारे गए हैं और लगभग 8 लाख लोग संक्रमित हैं। बाजारों में पिंजरे में जानवर रखे गए हैं और उन्हें बेचा जा रहा है। चीनी बाजारों में अभी चमगादड़, बिच्छू और कई जानवर बेचने का सिलसिला जारी। ये नजारा उस समय का है जब चीन से लॉकडाउन हटा लिया गया है। सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे बाजारों में जाएं और रोजमर्रा की तरह से जीवन जिएं ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले। यहाँ लोगों का मानना है कि कोरोना संकट खत्म हो गया है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब ये केवल दुनिया के अन्य देशों की समस्या है। चीनी लोग अब कोरोना को लेकर चिंतित नहीं है। चीन के बाजारों में बिल्कुल उसी तरह से काम हो रहा है जैसे पहले वहां पर होता था।